तो वेलकम है ऑल ड्रैगन बॉल सुपर फैंस का। तो आज की हमारी वीडियो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज एपिसोड 2 का प्रीव्यू है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो अनसब्सक्राइब ना करें, वरना तो अच्छा नहीं होगा। तो हाँ यार, शुरू करते हैं क्योंकि तो हाँ मौजूद हैं। ये कुछ हमें ग्रीन सा ग्रीन हाउस दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक ईवल गॉड खड़ा है, डिमोन, इसका नाम डिमोन डिमोन गॉड है। सॉरी आपको बात ज़रा थोड़ी उलट, सॉरी बात आपको ज़रा उल्टी बोल दी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका नाम डिमिग्रा है, ये एक ईवल डिमोन गॉड है, जिस तरह सुप्रीम का इसके भी गॉड हैं और हमारे यूनिवर्स के भी गॉड्स हैं। और ये एक ईवल है, ईवल है यानी ये एक डिमोन, जैसे शैतान जिसको हम शैतान कह सकते हैं, ये एक शैतान है और ये उनका गॉड है, यानी सरबरा कह लें आप, जो मर्ज़ी कह लें। अब ये किसी जगह पे मौजूद है और कोई टर्टल टाइप इसका जिस पे ये मौजूद है, स्पेसशिप है या कोई फ्लैट हाउस जो भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो कुछ अच्छी खासी जगह मौजूद किसी अच्छी जगह पर खड़ा है। अब यहाँ पे हमारे ये टाइम पेट्रोलर्स, हाँ जी, ये जेनो गोकू के साथी हैं, यानी जेनो प्लैनेट के जो टाइम पेट्रोलर्स हैं, और कमाल के लग रहे हैं सारे। एक वजीटा को देख लें किस एक्शन में है, जैकेट उसने ज़बरदस्त पहनी हुई है और बाकी भी अपने अच्छे सूट में। ये ड्रैगन बॉल जीटी के तो नहीं हम कुछ कह सकते, लेकिन ये जेनो जो हमें बताया गया है, जेनो गोकू के साथी हैं टाइम पेट्रोलर। और यहाँ पे हमारा ये देख लीजिए, हमारा जेनो गोकू भी मौजूद है। ये वही गोकू है जो एस एच जे गोकू ब्लू ड्रैगन बॉल सुपर के गोकू के साथ था। अब ये खामियामेहा अपनी पावर को लोड कर चुका है और सीधा डिमिग्रा पर अटैक कर रहा है, उस ईवल पर। लेकिन अचानक से ये देख लीजिए, डिमिग्रा की सेक्रेटरी, इसका नाम कुछ खास मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े आराम से इसने खामियामेहा को डॉज कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली खूबसूरत सीन के साथ इसने खामियामेहा को डॉज कर दिया। ये डिमिग्रा की सेक्रेटरी। और यहाँ पर ये हमारा गोकू ड्रैगन बॉल सुपर का गोकू, जो कांबा का मुकाबला करते करते गोकू और वजीटा बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी हालत में फंसे। अब यहाँ पे कांबा अपनी पावर को लोड करते हुए, अपनी पावर को बढ़ाते हुए अटैक्स को निकालेगा। ये इसके बहुत ख़तरनाक अटैक्स हैं जिनको वजीटा और गोकू ने मुश्किल से डॉच किया। ये देख लीजिए, एक सेकेंड भी देर हो जाती तो दोनों खलास, लेकिन अकीरा टोरियामा कुछ ऐसा करेगा नहीं। और यहाँ पे परफेक्टली कांबा को दिखाया गया, उसके फुल बॉडी, चेस्ट, सेस्ट, मसल, शेशल, सब कुछ उसका दिखाया गया है। और जैकेट इसने फाड़ी, उसके साथ ही साथ उसकी काई भी इंक्रीज हो गई। जब उसने अपनी जैकेट को फाड़ दिया तो उसकी काई भी इंक्रीज हो गई। देख लीजिए, वो देख लीजिए, साइडों पे ज़रूर देखिएगा, वो देखिए उसके मसल भी बुरुली की तरह, जिस तरह बुरुली माशाल्लाह बड़ा अच्छा तगड़ा और अच्छा लेजेंडरी सेन था, इसी तरह ये भी, ये सेन है, बहुत मुख्तलिफ सेन है, ये नॉर्मल सेंस की तरह बिल्कुल नहीं। अभी अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है और देख लीजिए बड़े मज़े से खड़ा है, इसके मसल्स देखिएगा आपको लग समझ जाएगी। इसका मुकाबला करना उन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल है, वो दोनों काफ़ी मुश्किल में कि वो उसको हरा पाए। अब यहाँ माई ईयर रिंग देगी दोनों को पटारा फ्यूजन के लिए, गोकू और वेजिटा को। फर्स्टली गोकू लेगा, फिर वेजिटा ले लेगा, क्योंकि माई को सिचुएशन का पता लग गया था। लास्ट टाइम जमासू आर्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कोकुर वजीटा काफ़ी उन पर भारी थे, लेकिन वो भी फ्यूज हो चुके थे, जिसकी वजह से अब वो इमॉर्टल थे, उनको मारना मुश्किल था। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमें गो वजीटो दिखा दिया गया, ऐसे जे ब्ल्यू जो कांबा का मुकाबला करेगा। तो फाइनली हमें वजीटो को देखना पढ़ ही गया टूर्नामेंट में, तो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि काफ़ी लोग फैंस कह रहे थे कि वजीटो को नहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन आखिरकार में सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़ में वजीटो को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ईवल सेन कांबा को लड़ने के लिए वजीटो की ज़रूरत पड़ी, ना गोकू हरा पाया ना वजीटा हरा पाया, क्यों अब हमें नहीं पता ईवल सेन कांबा की पावर कितनी है, और वो भी वजीटो एस एच जे ब्ल्यू। अब यहाँ पे वजीटो बहक पे गया और कायोकेन 20 यूज़ किया,
हमें नहीं, हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि वजीटो कायोकेन X20 को यूज़ करना पड़ेगा। वजीटो कायोकेन X20, यार कुछ दाद दो यार, कुछ दाद दो। कायोकेन X20, इस बारे में कुछ करना पड़ेगा बात। X20, X20, X20। अब हम परफेक्टली तो नहीं कह सकते X20 या X10 है, लेकिन जहाँ तक हमें बताया गया ये वजीटो X20 ही है, X20 ही है। और यहाँ पे एकदम से इसने अटैक्स किए, जो उस पे तो बिल्कुल कांबा पर इन अटैक्स का कुछ असर नहीं हुआ, वो बस नॉर्मली उनको डॉच करता रहा। और आप ये SSJW आगे बढ़ाए और फाइनली हमें वजीटो को एक्शन में देखना पड़ गया। डायरेक्टली उसने हिट किया है उसके मुंह पर, लेकिन कांबा ने आर्म से रोक लिया। कायोकेन X20 को यूज़ करना पड़ गया, X20 को। कांबा इस कदर पावरफुल है कि X20 उससे लड़े, और बड़ी अच्छी लात थी, देख लीजिए दोबारा आप किसानी के लिए। अच्छा अब इसकी, वाह भाई वाह, एक दफ़ा बैक करके फिर दिखाता हूँ। कांबा इस कदर पावरफुल है कि कांबा ने पंच मारा वजीटो पर और वजीटो की हट गई। कांबा ने पंच मारा वजीटो पर और वजीटो की हट गई। कांबा इस कदर पावरफुल है, वो से देख लीजिए, उसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। कि बेशक वो इवल सेन है, सेन है, लेकिन इस कदर पावरफुल है कि उसकी की हट गई। लेकिन हमारा वजीटो भी काफ़ी एक्शन में है, और अचानक से उसने उसके मुंह पर किक किया और कांबा ने उसको पकड़ लिया और फिरते हुए नीचे फेंक दिया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि वजीटो में कुछ हद तक गोकू की और कुछ हद तक वजीटा की बहुत ज़्यादा आदतें हैं। लेकिन जब बात करता है तो तब बीच में अक्सर उसका स्टाइल वजीटा वाला होता है। जब मारता है तब भी उसमें अक्सर स्टाइल उसका वजीटा वाला होता है, लेकिन ज़्यादातर उसका स्टाइल गोकू का ही रहता है, क्योंकि गोकू काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा हमारा हीरो है, हमारा एक सेन, हमारा एक पर्सन बहुत अच्छा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप सारे फैंस हैं गोकू के, वजीटा के, और मेरे भी होंगे। चलें अगला क्लिप देखते हैं। और यहीं से आगे हमें ये बंदे दिखा दिए गए, एक हमारा SSJ4 है गोकू, एक हमारा फू है, एक कूलर है, और एक ये, और नंबर फर्स्ट पे हमारे पास ओज़ोटो है, कूलर है, कूलर, उसके बाद फू और सुपर सैयन 4। ओज़ोटो ओज़ोटो को सेल सागा से पहले रिवील किया गया था, लेकिन वो एक गेम है, गेम में दिखाया गया था। मैं आपको लिंक दे दूंगा कि हमारे एक भाई हैं चार्लीगोन, काफ़ी आप ज़्यादा लोग जानते होंगे चार्लीगोन, उन्होंने इसके बारे में फुल वीडियो बनाई है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्रीव्यू ब्रेक डाउन किया, कुछ गलतियाँ भी हुई, कुछ स्टाइल भी कुछ डिफरेंट है बोलने का, क्या करें, काम भी तो नया नया शुरू किया है। लेकिन आगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। जब आदी हो जाऊंगा बोलने का, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको दोबारा शिकायत मौका नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब को नहीं भूलना यार। लाइक ना करो बेशक, कमेंट ना करो, शेयर ना करो, सब्सक्राइब नहीं भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा हो जाएगा ना। देखो भाई, सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी दूंगा और आपको भी सब्सक्राइब बैक दूंगा इंशाल्लाह। ये एक मुसलमान की बात है, मुसलमान क्या, आपको कमेंट, आप अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी सब्सक्राइब बैक ज़रूर दूंगा, और ये मेरी बात है, ना कहा तो मेरा चैनल ब्लॉक करवा देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो एम करते हैं कुछ 500 लाइक्स का। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।